वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर इहतमाम साबिक एमपीए और ज़िला सदर मलिक वज़ीर अवान की क़यादत में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो पीपी के ज़िला सेक्रेटरीट कसोकी रोड से शुरू होकर फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान पीपी के ज़िला सदर और साबिक एमपीए मलिक मोहम्मद वज़ीर अवान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से आटा चीनी समेत तमाम अशिया खुर्दनोश को महंगा करके गरीब आदमी को सूली पर लटका दिया गया। जब तक हम इस करप्ट हुकूमत से निजात नहीं हासिल कर लेते, इस वक्त तक मुल्क से महंगाई बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि करप्ट हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए मैदान अमल में निकलें और पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दें। सराय नेमत खान जराइम को कंट्रोल करने के लिए अवामी तआवुन नागुजीर है, मुठ्ठी भर जराइम पेशा अफराद किसी रायत के मुस्तक नहीं। जराए के मुताबिक गुज़श्ता रोज DSP सरको सदर SHO थाना सदर अरशद खान की खसूसी दिलचस्पी पर सराय नेमत खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनियन कौंसिल सराय नेमत खान मौजूदीन के अलावा अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर SHO थाना सदर अरशद खान ने अपने खिताब में मौजूदीन इलाका पर जोर देते हुए कहा कि इलाके में मौजूद जराइम पेशा अफराद की निशानदही, मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी की जाए, किसी भी ऐसे शख्स को मकान और दुकान किराए पर देने से पहले थाने में अंदराज जरूर करवाएं। मनशियात की रोकथाम में वालदैन अपने बच्चों पर निगाह को मरकूज रखें। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किए। फरुखाबाद दुनतपुरा सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान जांबक हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांबक बच्चों की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। जांबक होने वालों में मोहम्मद मुजाहिद, सुबहान, मोहम्मद फैजान शामिल हैं। रावलपिंडी थाना नसीराबाद की कार्रवाई, SHO नसीराबाद को रिश्वत की पेशकश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वाजिद महमूद ने बताया कि मुझे निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने भिजवाया, मुलजिम ने 1 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। SHO नसीराबाद मुलजिम की पेशकदा रकम बतौर रुजुआ सबूत कब्जा पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वाजिद को ठोस शहादत के साथ चालान अदालत के करार वाकया सजा दिलवाई जाए। बदनवानी और रिश्वत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसे यकीनी बनाया जाए। तहसील गुजरहान से खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि तालीमी मियार को बेहतर करने, स्कूलों की अपग्रेडेशन और बच्चों में तालीमी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। चेयरमैन इरशाद बेगम वेलफेयर ट्रस्ट और जनरल सेक्रेटरी PTI तहसील गुजहान राजा अब्दुल वहीद, सदर वुमेन विंग PTI तहसील गुजहान मैडम ताहरा यस्मीन ने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल बदाल में पहली, दूसरी और तीसरी पोजिशन हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर राजा अब्दुल वहीद ने कहा कि बच्चे ही इस मुल्क का नाम रोशन करते हैं, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का आगे चलकर नाम रोशन करना है। स्कूलों में तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। खबर शामिल करते हैं, मोटरवे पुलिस ने चक्री के करीब भारी मकदार में असलाह बरामद कर लिया। मोटरवे पर चक्री के करीब भारी मकदार में असलाह बरामद किया गया, 52 पिस्तौल शामिल थे। दौरान गश्त जब पेट्रोलिंग पार्टी गाड़ी के करीब पहुंची तो इन्हें इंजन से शोले बुलंद होते नजर आए, जिन पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया गया, लेकिन गाड़ी के करीब कोई शख्स मौजूद न था। शक की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के खुफिया हाने से असलाह बरामद हुआ, जिसे तहवील में लेकर नामालूम मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए असलाह और गाड़ी पुलिस स्टेशन चौंतरा रावलपिंडी के हवाले कर दी गई। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से मुकामी सऊदी आर्टिस्ट ने समुद्र की गहराई में क़यादत की तस्वीर को पेंट करके अपनी सरजमीन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सना शुएब से। अजी सना, आगाह कीजिएगा। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से मुकामी सऊदी आर्टिस्ट ने समंदर की गहराई में क़यादत की तस्वीर को पेंट करके अपनी सरजमीन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया है। सऊदी अरब में बहरिया अहमर में सऊदी लिबास जेब तन किए माहिर सऊदी आर्टिस्ट ने समंदर की गहराई में जाकर सऊदी क़यादत की तस्वीर को पेंट करके मुनफरद अंदाज अपनाया है और अपनी सरजमीन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया है। माहिर आर्टिस्ट का कहना है कि उसने कौमी दिन की तैयारी के लिए जहाँ गोताखोरी की महारत हासिल की, वहीं पानी के अंदर मखसूस रंगों का भी और मौजू रंगों का भी इंतखाब किया, जिसके बाद उसे कामयाबी नसीब हुई। बहुत शुक्रिया सना शवेब हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक है
और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं रान उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं रान उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि रान उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए।